फिरेंसो। अगर आपका गोवा ट्रिप को करना है झींगा लाला तो ये वीडियो को देखिए पूरा लाला। कितना खूबसूरत जगह है गोवा, यहाँ करने को कितना कुछ है, खाने को कितना कुछ है। वैसे तो 7 दिन भी यहाँ पे कम पड़ेगा, लेकिन 3 दिन भी यहाँ पे काफी है। डिपेंड करता है अपने हाथ में आप कितने दिन लेके आए हैं। 3 दिन का गोवा ट्रिप कैसे बेहतरीन बनाएंगे, शेयर कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा खाना के बारे में। गोवा का खाना बहुत टेस्टी है भाई। आप अगर कुछ घूमे ना घूमे, लेकिन गोवा का अगर खाना खा के गए हैं तो आपका गोवा ट्रिप साकार है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा गोवा का जो स्ट्रीट फूड है वो चिकन कैफ्रियल है। आपको बंडी भी मिल जाएगा रोड साइड में, या फिर इसका रेस्टोरेंट भी है पुराना KFC के सामने कलंगुट में। चिकन कैफ्रियल जरूर ट्राई कीजिए गोवा आए तो। साथ में तंदूरी चाय भी मिलता है गोवा में, अच्छा वाला। सबसे बढ़िया है यहाँ पे सी फूड में मसल्स है, स्नेल्स है, बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे मिलते हैं, ये जरूर ट्राई करिए। साथ ही साथ बढ़िया सी फूड यहाँ पे मिलता है ऑक्टोपस के साथ, स्कीड वगैरह, ये जरूर ट्राई करिए। स्कीड का तवा फ्राई ट्राई करिए, सबसे बढ़िया है। लॉबस्टर का तो बात ही अलग है, यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन टेस्ट इसका गजब का है। प्राइस इसका स्टार्ट हो जाता है 4,000 से, साइज के हिसाब से 6-7 हज़ार तक चल जाता है, लेकिन छोटा वाला आपको मिल जाता है 2-3 हज़ार में। लेकिन छोटे वाले का मज़ा नहीं है, बड़ा वाला का जो टेस्ट है एक अलग ही टेस्ट है। अगर हो सके तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी सी फूड वगैरह, मछली वगैरह, स्नैक्स वगैरह उतना कॉस्टली नहीं है, यहाँ पे बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। फिश थाली भी यहाँ पे अलग अलग रेस्टोरेंट में अलग अलग प्राइस है, 200 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1,000-1,500 तक फिश थाली का प्राइस यहाँ पे है। अलग अलग जगह में अलग अलग रेस्टोरेंट में अलग अलग प्राइस है। किंग फिश थाली जरूर ट्राई करें गोवा में, गोवन किंग फिश थाली मज़ेदार है खाना। अब आना जाना थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग पहुंचे वास्को डा गामा। गोवा के लिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट वास्को डा गामा है। इसके लिए 2 ऑप्शन है, ट्रेन और फ्लाइट। फ्लाइट में अगर जा रहे हैं तो 6,000 से 8,000 रुपये उसका चार्ज पड़ेगा। आसमान का सुंदर सुंदर नज़ारों का मज़ा लेते हुए पहुंचेंगे गोवा। बहुत जल्दी पहुंचेंगे, 1.5 से 2 घंटा लगने वाला है इसमें। दूसरा ऑप्शन है ट्रेन। ट्रेन से अगर जा रहे हैं तो 250 रुपये से लेकर 2,500 तक टिकट का फेयर है। इसमें आपको बहुत ही बढ़िया मज़ा लगने वाला है। सुंदर सुंदर नज़ारा, नए नए एरिया, नए नए मिट्टी से लेकर हवा पानी तक फील करते करते जाएंगे। दूध सागर वाटरफॉल को क्रॉस करते हुए निकलेगी ट्रेन, ये नज़ारा बहुत ही दिलकश नज़ारा है। ये नज़ारा आपको मिलेगा ओनली ट्रेन में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, हमको लगा था 40 घंटा, हम लोग भी ट्रेन में गए थे। वास्को डा गामा से सीधा हम लोग निकलेंगे कलंगुट, क्योंकि हमारा होटल बुक था कलंगुट में। रेलवे स्टेशन के बाहर जाके हमको पता चला कि टैक्सी फेयर यहाँ से 1,000 से लेकर 1,500 के अंदर है, चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो। कलंगुट जाने के लिए 1,500 रुपये फेयर पड़ता है। अब अगर नेगोशिएट करेंगे तो 1,000-1,200 में हो सकता है। वास्को डा गामा से कलंगुट लगभग 1 घंटा के करीब लगता है। अगर आप पहले से होटल बुक किए हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं किए हैं तो कलंगुट सेंटर चौक में बहुत सारे एजेंट मिल जाते हैं, वहाँ पे आप जाके होटल चूज़ करके बुक कर सकते हैं। 1,000 से लेकर 3,000 तक बढ़िया बढ़िया गेस्ट हाउस मिल जाता है यहाँ पे, AC रूम, रिसोर्ट भी मिल जाता है। हम लोग बुक नहीं किए हैं क्योंकि हम लोग ऑफ सीजन में आए हैं और हमारा दोस्त भी यहाँ पे है, तो हमारा दोस्त हमारे लिए बुक किया है एक बढ़िया सा रिसोर्ट जिसका नाम है होटल शिशोर बीच रिसोर्ट। कलंगुट के सेंटर में ही है ये रिसोर्ट, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है हमारे बैल्कनी से। और हमारा रूम भी बहुत सुंदर है, बाथरूम भी काफ़ी क्लीन एंड हाइजीन है। रूम वगैरह सब कुछ हमारा तो फिक्स हो चुका है, अभी हम लोग थोड़ा टायर्ड हैं इसीलिए थोड़ा मार्केट ही घूमेंगे, उसके बाद डिनर करके सो जाएंगे। अगर आप टायर्ड नहीं हैं तो सनसेट पॉइंट वगैरह जा सकते हैं, या फिर नाइट को थोड़ा मार्केट घूम सकते हैं, या फिर बीच की तरफ भी घूम सकते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर फ्रेश होकर हम लोग निकल गए थे कलंगुट बीच की तरफ ऐसे ही टहलने। कलंगुट बीच में बहुत सारा बोटिंग होता है, बाघा बीच में भी बोटिंग होता है, लेकिन कलंगुट बीच में बोटिंग के नाम पे बहुत ठग लेते हैं पैसा, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। छोटा मोटा राइड वगैरह, बोट राइड, जेट स्की, बनाना बोट, ये सब कलंगुट में होता है, अच्छे से वो भी ट्राई कर सकते हैं। हम लोग भी ट्राई किए, 100-200 रुपये लेते हैं उनका चार्ज। तो कलंगुट में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग सीधा पहुँच गए बाघा बीच, क्योंकि अभी हमको पैरासेलिंग करना है।
पैरासेलिंग यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। पैरासेलिंग का पर पर्सन 800 रुपए है यहाँ पे बाघा बीच में। बाघा बीच में सबसे बेहतरीन पैरासेलिंग होता है यहाँ पे 800 रुपए में 1 मिनट। यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारा रहता है। पैरासेलिंग का सबसे बेहतरीन मजा आपको यहाँ बाघा बीच में मिलेगा। हम लोग भी काफी एंजॉय किए यहाँ पे। कॉम्बो पैकेज जो है 5 राइड वाला, उसमें आपको ये मजा नहीं मिलेगा। वो राइड भी लिए तो ले सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली पैरासेलिंग जरूर कीजिएगा। पैरासेलिंग का बढ़िया मजा लेने के बाद अभी हमको चाहिए एक स्कूटर, क्योंकि टैक्सी और ऑटो में हम पैसा खर्च नहीं करेंगे। गोवा आए हैं तो सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है एक स्कूटर रेंट में लेना चाहिए। हम लोग भी अभी स्कूटर रेंट में लेने जा रहे हैं। एक दिन का 500 रुपये ये लोग चार्ज करते हैं। स्क्रैच वगैरह अच्छे से वीडियो बना के रखिए, नहीं तो वो लोग बाद में फिर बोलेंगे कि स्क्रैच लग गया, पैसा दो बोल के। तो पहले से अच्छे से चेक करके एक स्कूटर ले लीजिएगा, क्योंकि घूमने में ईजी होता है। होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह आपको ईजिली मिल पाएगा। अननेसेसरी आपको कैब वगैरह टैक्सी वगैरह का चार्ज नहीं पड़ेगा। हम लोग भी स्कूटर लिए हैं और अभी लंच करने जा रहे हैं। खाना का तो जवाब नहीं, गोवा में क्या बताऊँ मैं आपको। यहाँ पे सी फूड ही ज़्यादा ट्राई कीजिए। अलग अलग तरह के फिश थाली यहाँ पे अवेलेबल हैं और उसका प्राइस भी बहुत कम है। 250 रुपये से लेके 550 तक यहाँ पे फिश थाली अवेलेबल हैं। टेस्ट भी इसका बहुत बढ़िया है। आप गोवा में आए तो फिश थाली ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब लंच खत्म करके थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं सिंकोरियम बीच, सिंकोरियम फोर्ट में। बैठ के चिल मारने का और सनसेट देखने के लिए गोवा में सबसे बेहतरीन जगह यही है। मुझे नहीं लगता अपना दिन खत्म करने का इससे बेहतरीन जगह यहाँ पे होगा। बहुत बढ़िया से खत्म हुआ हमारा पहला दिन। बस आज के लिए एक ही काम बाकी है, कल सुबह के लिए दूध सागर वाटरफॉल का टिकट लेना है। अगले दिन सुबह सुबह हम लोग जाएंगे दूध सागर वाटरफॉल। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। दूध सागर वाटरफॉल यहाँ जरूर आइए। ये फुल डे का टूर रहता है। इसका टिकट आपको एक दिन पहले ही करना पड़ता है। ये 1500 का एक होता है। इसमें आपका बस लेके जाएगा, दूध सागर में घुमाएगा, वहाँ पे खाना खिलाएगा और फिर आपको वापस लाके गोवा में छोड़ देगा। बस वाला हमको रात को ही पूरा फोन करके पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया था। हम लोग सुबह 6 बजे रेडी होके हमारे चौक पे रेडी थे। जाते टाइम रास्ते में एक बढ़िया चीज हमको देखने को मिला, बेसिलिका बॉम जीसस। यहाँ पे फ्रांसिस जेवियर का 400 साल पुरानी बॉडी रखा हुआ था। वाटरफॉल का टिकट काउंटर में पहुंचने के बाद एक अलग जिप्सी में पहाड़ी व्हीकल में हमको वाटरफॉल की तरफ लिया गया। फिर वहां से हम लोग 15 से 20 मिनट वो जिप्सी में जाने के बाद वाटरफॉल में पहुंचे। वहां पे कपड़ा चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम भी है, टॉयलेट भी है। वहां पे कपड़ा वपड़ा चेंज करके हम लोग फिर 15 मिनट का ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग पहुंचे वाटरफॉल में। यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। यहाँ नहाने के लिए भी सेफ है, लाइफ जैकेट भी पहना हुआ है। यहाँ पे 4-5 लाइफ गार्ड भी बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ नहाने में। टाइम स्पेंड करने के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। 1 घंटा जम के नहाने के बाद बस वाला लेके गया एक स्पाइस गार्डन में। स्पाइस गार्डन में हमारे लिए ऑर्गेनिक लंच रेडी हुआ था। वहाँ पे बढ़िया सा लंच गोवन फूड हम लोग ट्राई करने के बाद स्पाइस गार्डन का टूर कराए हमको। स्पाइस गार्डन में बढ़िया बढ़िया मसालों के बारे में हमको बताया गया। फिर बस वाला हमको लेके गोवा छोड़ दिया रात के 8 बजे के करीब। अभी जाकर ये पैकेज खत्म हुआ, मतलब सुबह के 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। ये 1 डे का फुल पैकेज है दोस्तों। गोवा आए तो इसे मिस मत कीजिए, ये पैकेज जरूर लीजिए। 1 डे का ट्रिप है, पूरा दिन खत्म हो जाता है। वहाँ से गोवा पहुँचने के बाद हम लोग थोड़ा फ्रेश होके बीच के तरफ गए। शाम के टाइम बीच का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। दूसरा दिन भी गोवा में बहुत खास रहा। अगले दिन सुबह सुबह हम लोग निकल गए स्कूबा डाइविंग पैकेज में। ये स्कूबा डाइविंग का एक पैकेज है, 1000 रुपीज़ से 1500 बोलते हैं, जो जितना नेगोशिएट कर पाया। इसमें आपको मिलता है 5 राइड, बोटिंग के साथ स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, जेट स्की है, बनाना राइड है, बम्पर राइड है। ये भी 1 डे का पैकेज है। इसमें भी बहुत बढ़िया एंजॉय किए हम लोग। हाँ, राइड्स वगैरह थोड़ा छोटा छोटा था, कम कराए, लेकिन बहुत अच्छे से कराए। एंजॉयमेंट बहुत अच्छा हुआ, प्लस लंच करा के ये फिर हमको इवनिंग तक घुमा फिरा के अपने होटल छोड़ दिए। ये भी फुल डे का टूर है, ये भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद शाम को हम लोग पहुँच गए एगुडा फोर्ट। यहाँ पे एंट्री फीस है 50 रुपीज़। काफ़ी बढ़िया जगह है ये भी। शाम के टाइम में यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ होता है। बहुत अच्छा जगह है, इसे भी मिस मत कीजिए।
कलंगूट से 7 या 8 किलोमीटर है, अपने पास स्कूटर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुंच जा सकते हैं। ठीक उसके पास है सिंकोरियम फोर्ट, ये तो काफ़ी बढ़िया जगह है। यहाँ पे शाम के टाइम में सनसेट बहुत बढ़िया होता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हम लोग लगभग रोज यहाँ पे शाम को पहुँच जाते थे। स्कूटर रेंट में लिए थे बोल के इतने सारे जगह हम लोग घूम चुके हैं, लगभग गोवा का सारे जगह हम लोग घूम चुके हैं, बहुत बढ़िया से एंजॉय हुआ है। एंड में हम लोग नाइट में बीच नाइट कलंगूट और बाघा का नाइट का जो व्यू है वो एक बार देखेंगे। अभी बहुत ही शानदार नज़ारा है, म्यूजिक मस्ती और धूम, पार्टी शार्टी फुल नाइट, और फिर नाइट मार्केट भी घूमना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारा आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल है, आपको मज़ा आ जाएगा, स्पेशली लेडीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है यहाँ पे। कुछ जगह छूटते हैं, छूटेंगे भी, लेकिन हाथ में जितना समय होता है उस हिसाब से हम लोग घूमते हैं। तो मेरे ख्याल से 3 दिन बेहतरीन बन चुका है दोस्तों। ये ब्लॉग यहाँ पे खत्म है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।